ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे आदिल दार जुड़ गए हैं। आदिल जानना चाहेंगे कि लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में इसका असर मकामी लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस दिन हम देख रहे हैं कि जो वादी कश्मीर के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार जो मौसमी सूरत हाल बनी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों की बात करें जहाँ पर लगातार जारी है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पर जो तापमान है वो इसमें काफी ज्यादा कमी जो है वो रोनुमा हुई है। अगर हम दूसरे शहर से देखेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां उरूज पर नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मौसमी सूरतहाल इस वक्त बनी है, न सिर्फ यहाँ पर किसानों के साथ साथ जो मालिकाने बागात है वो परेशान कुन नजर आ रहे हैं, वही दूसरे शहर से देखेंगे जो सियासी सरगर्मियां वो कहीं ना कहीं जो है ठप नजर आती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल 30 अप्रैल तक जो वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल ऐसी ही बने रहेगी, जहां पर पहाड़ी इलाकों पर जो है भारी बर्फबारी की पेशगोई जताई जा रही है, वही मैदानी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा था कि कई ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज है, कई ऐसे जो हॉटस्पॉट एरियाज है जहां पर लैंडस्लाइड्स आई हुए, मडस्लाइड्स आई हुए, तो कई जो मेजर रोड्स है वादी कश्मीर के अंदर, पीर की गली की बात करेंगे या कुम शरा लेक की बात करें, श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, साधना पास, रोजिला पास, राजधान पास, जितने भी जो एरियाज है, जो हॉटस्पॉट एरियाज है या जो हिल स्टेशन है जहां पर रोड कनेक्टिविटी जो है अभी फिलहाल यातायात के लिए जो है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि भारी बर्फबारी होने के बीच या लैंडस्लाइड्स मडस्लाइड्स होने के बीच इन रोड्स को जो है फिलहाल जो है बंद कर लिया गया और लोगों को यहां पर जो है सेफ मुकाम की तरफ जो है शिफ्ट कर दिया गया। और लोगों को यह भी कहा गया है कि जो एडवाइजरी है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है, एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है, तो लाइव नशात से पहले यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर की उनकी तरफ से जो है कई डिस्ट्रिक्टों में ये अवलाश की वार्निंग जो है वो जताई जा रही है, लैंडस्लाइड्स का खतरा जताया जा रहा है, मडस्लाइड्स का खतरा जताया जा रहा है, तो लोगों को कहा गया है कि इन जगहों पर ना जाए जो वल्नरेबल एरियाज है, ताकि खुदा ना खासा किसी तरह कोई हादसा पेश ना आए। इस हवाले से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरियां जो है लोगों को दी जा रही है। लेकिन दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे जो इस वक्त जो मौसमी सूरतहाल बने हैं, चूंकि इस वक्त भी जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां मैदानी इलाकों को लेकर पहाड़ी इलाकों तक बात करके पहाड़ी इलाकों पर इस वक्त भी पहाड़ों पर जो हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है, तो गुलमर्ग के अंदर भी हमने देखा कि आज एक बार फिर हल्की बर्फबारी अफरवट पहाड़ी पर हुई है, वही सोनमर्ग की बात करेंगे, इसके अलावा पहलगाम के जो पहाड़ी क्षेत्र है या इसके अलावा दत्तपत्र की जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर हल्की बर्फबारी के इत्तला जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो जिस तरह से हम किसानों के हवाले से बातचीत करेंगे, जमींदारी तबके के हवाले से हॉर्टिकल्चर के हवाले से बात करेंगे, तो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान जो है नजर आ रहे हैं, किसान काफी ज्यादा परेशान मायूस को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मौसमी सूरतहाल इस वक्त बनी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार तेज बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, इससे फसलों पर भी काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो फसलें तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी, वही दूसरे साइड से जो एप्पल ऑर्चिड्स के यहाँ पर जो एप्पल ऑर्चिड्स के जो पेड़ होते हैं जहाँ पर शगुफे जो है निकल आए थे, लेकिन इस सर्द मौसम की वजह से, तेज बारिशों की वजह से, आंधी की वजह से इन पर काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 2-3 दिन में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस हवाले से ये खास देखना होगा कि इससे जो है कितना असर जो है हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर पर भी जो है पड़ सकता है, क्योंकि हमने आज कोशिश की थी ग्राउंड जीरो पे जाने की और यहाँ पर जितने भी जो मेवा बागात है वहां पर हमने जाने की कोशिश की और हमने देखा कि इस बार अच्छी खासी प्रोडक्शन हुई थी एप्पल्स की, अगर हम खासकर बात करेंगे या चेरी की बात करेंगे या एप्रिकॉट की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फसलें जो है इस बार जो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन जो इस वक्त मौसमी सूरतहाल बनी है जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं, किसान काफी ज्यादा परेशान जो है नजर आ रहे हैं, वही दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे जो इस वक्त पर्यटन जो है गुलमर्ग सुरमर्ग से लेकर जो जितने भी यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है जहां पर इस वक्त भारी संख्या में पर्यटक मौजूद है, कहीं ना कहीं वो इस मौसम का, इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। एक तरफ से अगर हम देखेंगे यहाँ पर सियाहत में 4 चांद लगे हैं, वही दूसरे साइड से देखेंगे किसान और आम लोग जो है काफी ज्यादा परेशान कुन जो है वो नजर आ रहे हैं इस मौसमी सूरतहाल की वजह से। वही यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, यह कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम रहा, तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला, तो जो भी यहाँ पर जो नदी नाले है जहाँ पर जो मेजर यहाँ पर जो स्ट्रीम है, चाहे नाले फिरोजपुरा की बात करेंगे, दरियाए लदर की बात करेंगे या हम दरियाए जहलम की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे, जितने भी जो है बड़े बड़े दरिया वगैरह, इन पर पानी की सतह
क्षमता में इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। तो आज दिन भर भी हमने देखा है कई मकाम पर जब मड स्लाइड्स आई, लैंड स्लाइड्स आई, तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला, आंधी का सिलसिला देखने को मिला, तो कई हादसा भी यहाँ पर जो है पेश आए। बहुत सारी जगहों पर एक्सीडेंट्स के खतरे जो है लायक रहते हैं जब मौसम इस तरह का जो है खराब रहता है। तो यहाँ पर लोगों से कहा गया है कि एहतियात बरते, इन चीजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरी दी जा रही है कहीं ना कहीं इनका पालन करना होगा, तभी जाके यहाँ पर लोगों को किसी तरह की मुश्किल जो है वो नहीं आ सकती। जी बिल्कुल आदिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।